तो जैसा कि आप जानते हैं, टेनिस सिंगल्स और डबल्स में खेला जाता है। सिंगल्स यानी हर साइड पे एक प्लेयर और डबल्स यानी हर साइड पे दो प्लेयर। दोस्तों, सिंगल्स और डबल्स के रूल्स लगभग सेम होते हैं, बट डबल्स में कुछ एडिशनल थिंग्स होती हैं जो कि हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं सिंगल्स के रूल्स के बारे में। आप टॉस करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन पहले सर्व करेगा और किस साइड से करेगा। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं सर्विस की। सर्विस आपको कोर्ट के राइट साइड से स्टार्ट करनी है, आपको बेस लाइन के पीछे खड़ा होना है और आपको सर्विस इस एरिया में बाउंस करानी है, यानी कि आपकी सर्व डायरेक्टली इस एरिया में बाउंस करनी चाहिए, जिसको हम सर्विस बॉक्स कहते हैं। ओपोनेंट या रिसीवर, यानी कि जो सर्विस को रिसीव कर रहा है, वो कोर्ट में कहीं भी खड़ा हो सकता है, ये उसकी च्वाइस है। दोस्तों, सर्विस करने के आपको दो चांसेस मिलते हैं, यानी कि अगर आपकी पहली सर्व गलत होती है तो आपके पास एक और चांस होता है। जब पहली सर्विस गलत होती है तो उसे फॉल्ट कहा जाता है, और जब दूसरी सर्विस भी गलत जाती है तो उसे डबल फॉल्ट कहा जाता है, और इस सिचुएशन में पॉइंट ओपोनेंट को मिल जाता है। जब आपकी सर्विस इस एरिया में डायरेक्टली बाउंस नहीं करती है तो वो फॉल्ट सर्व होगी। ओके, अब बात करते हैं कि सर्विस करेक्ट कब होगी। इसकी दो सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट, जब आपने अपनी सर्विस डायरेक्टली अपने क्रॉस वाले सर्विस बॉक्स में बाउंस कराई, यानी कि इस एरिया में बाउंस कराई। सेकंड, जब आपने सर्विस करी और ओपोनेंट ने डायरेक्टली आपकी बॉल को टच कर दिया तो भी ये करेक्ट सर्व होगी। इस केस में ये मैटर नहीं करता कि बॉल सर्विस बॉक्स में जा रही थी या नहीं, अगर ओपोनेंट ने डायरेक्ट टच किया है तो वो राइट सर्व मानी जाएगी। दोस्तों, सर्विस में एक सिचुएशन और आती है जिसे हम कहते हैं लेट, यानी कि जब आपने सर्विस करी और आपकी बॉल नेट से लग के राइट एरिया में बाउंस करती है, यानी कि सर्विस बॉक्स में बाउंस करती है, तो उसे कहा जाता है लेट। इस सिचुएशन में ना तो ये फॉल्ट सर्व काउंट होती है और ना ही ये करेक्ट सर्व काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फर्स्ट सर्व लेट होती है तो आपके पास अभी भी दो चांस हैं सर्विस करने के, और अगर आपकी सर्व जाती है करेक्ट और ओपोनेंट आपके इस एरिया में बॉल को हिट नहीं कर पाता है तो उसे कहा जाता है एस सर्व। अब इस पॉइंट से ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि आपको गेम कंटिन्यू करने के लिए बॉल को इस एरिया में हिट करना है। सिमिलरली, आपको भी डायरेक्टली या एक बाउंस के अंदर बॉल को ओपोनेंट के एरिया में हिट करना है। ध्यान रहे, टेनिस में सिर्फ एक ही बाउंस अलाउड होता है। चलिए अब बात करते हैं स्कोरिंग की, या हमें पॉइंट कैसे मिलेंगे। दोस्तों, आपको पॉइंट्स चार तरीके से मिल सकते हैं। नंबर वन, आपने बॉल को हिट करा और ओपोनेंट उसको नहीं रिप्लाई कर पाया तो उसे कहा जाता है विनर। नंबर टू, अगर किसी प्लेयर ने बॉल को दो बाउंस के बाद हिट किया। नंबर थ्री, अगर किसी प्लेयर ने बॉल को नेट पे हिट किया। और नंबर फोर, अगर कोई प्लेयर बॉल को डिसाइडेड एरिया से बाहर यानी कि आउटसाइड हिट करता है तो भी पॉइंट होगा। अब जानते हैं स्कोरिंग के बारे में। दोस्तों, टेनिस का एक गेम होता है 4 पॉइंट्स का, जो कि काउंट किया जाता है 15 पे आपका होता है पहला पॉइंट, 30 पे होता है सेकंड, एंड 40 पे होता है आपका थर्ड पॉइंट, और जो फोर्थ पॉइंट आप लेंगे वो हो गया आपकी गेम। अगर इन केस दोनों प्लेयर का स्कोर 40-40 हो जाता है तो उस सिचुएशन को कहा जाता है ड्यूज। इस सिचुएशन में गेम जीतने के लिए प्लेयर को दो कंटिन्यूस पॉइंट लेने होते हैं। ड्यूज के बाद आपने पहला पॉइंट लिया तो उसे कहा जाता है एडवांटेज, और अगर आप सेकंड पॉइंट भी ले लेते हैं तो वो गेम आपका हो जाता है। बट इन केस अगर एडवांटेज आपके पास है और सामने वाले प्लेयर ने फिर एक और पॉइंट ले लिया तो ये दोबारा ड्यूस हो जाएगा, आपको फिर से दो पॉइंट्स लेने होंगे। ओके, ये तो हुई गेम की बात। करते हैं सेट की। एक सेट तब बनता है जब कोई प्लेयर 6 गेम्स जीत लेता है, यानी कि अगर आपने 6 गेम्स जीती हैं तो वो सेट आप जीत चुके हैं। लेकिन एक सेट जीतने के लिए आपकी गेम्स में 2 या 2 से ज़्यादा गेम्स का डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट का स्कोर 5-6 है
तो आप अभी विनर नहीं हैं, आपको 5-7 करना होगा स्कोर। ओके, और अगर सिचुएशन आती है 6-all की, तो एक टाई ब्रेकर मैच होता है जिसमें जो पहले 7 पॉइंट्स लेता है वो उस सेट का विनर होता है, लेकिन इसमें भी 2 पॉइंट्स का गैप होना जरूरी है। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपका ये फाइनल सेट चल रहा है तो आपका टाई ब्रेकर मैच नहीं होगा, आपको ये सेट 2 गेम के गैप से ही जीतना होगा। दोस्तों जो वुमेन्स का मैच होता है उसमें मैच जीतने के लिए 2 सेट जीतना जरूरी होता है, और जो मेंस का मैच होता है उसमें 3 सेट जीतना जरूरी होता है। यानी कि वुमेन्स के लिए बेस्ट ऑफ 3 सेट्स एंड फॉर मेंस बेस्ट ऑफ 5 सेट्स होते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब डबल के रूल्स की। दोस्तों डबल्स के रूल्स सारे सेम हैं सिंगल्स वाले, लेकिन इसमें कोर्ट वाइडर हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, यानी कि साइड की गैलरीज इंक्लूड हो जाती हैं, जो कि सिंगल्स में आउट मानी जाती थी। सेकेंड थिंग, इसमें सर्विस रोटेट होती है, यानी कि हर 4 गेम के अंदर सारे प्लेयर्स की सर्विस आ जाएगी। दोस्तों जो प्लेयर सर्व कर रहा है उसका पार्टनर और जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसका पार्टनर कोर्ट में कहीं भी खड़े हो सकते हैं सर्विस के टाइम पे। दोस्तों जनरली प्लेयर्स कोर्ट की एक एक साइड लेते हैं, जैसा कि आपने खेलते हुए उन्हें देखा होगा। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो थी टेनिस के रूल्स और स्कोरिंग के ऊपर।